ये लो सैलरी आ गई। ये क्या, इसमें 30,000 रुपए कम है? हाँ। बाकी के पैसे कहाँ गए? अरे वो भाई को जरूरत थी ना तो उसको दे दी। नहीं, पिछले महीने तुमने उसे 50,000 रुपए दिए और इस महीने भी। तुम्हारा भाई करता क्या है इतने पैसों का? यार तुम्हें तो पता ही है अभी उसका काम अच्छा नहीं चल रहा है और घर में थोड़ी दिक्कत है। तो तुम्हें अपना घर दिखता है कि नहीं? उसे पैसे देते रहोगे क्या इसे? अरे यार परेशानी में अगर किसी को पैसे दे दिए तो इसमें इतनी दिक्कत क्या है, क्यों इतना रिएक्ट कर रही हो? अरे तो हर महीने का हो गया, अब हम अपना घर देखेंगे या उसका घर संभालेंगे? मना करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, भाई है। देखो मुझे नहीं पता, तुम उसे कॉल करो और बोलो कि पैसे वापस देकर जाए। तुम कैसी बातें कर रही हो, मतलब मैं उसको कॉल करके वो पैसे वापस मांगू जो मैं उसे खुद उसकी मदद के लिए देकर आया था? हाँ, वो पैसे मुझे अभी चाहिए, तो उसे कॉल करो और बोलो कि पैसे वापस देके जाए, मुझे कुछ नहीं पता। यार तुम समझ क्यों नहीं रही हो? अरे तुम क्यों नहीं समझ रहे हो, तुम उसे ऐसे पैसे देते रहे ना तो लोगों से भीख मांगने के कगार पर आ जाएंगे हम। यार तुम ना बिना मतलब बात बढ़ा रही। अरे मुझे पता है ना कि इस घर के खर्चे कैसे चल रहे हैं, पैसे होते हुए भी छोटी से छोटी चीज के लिए हमें मन मारना पड़ रहा है। देखो चाहे जो हो जाए पैसे तो मैं किसी हालत में वापस नहीं मांगूंगा। ठीक है, अगर ऐसा है ना तो तुम्हें मुझ में से और अपने भाई में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें फैसला लेना ही पड़ेगा कि तुम्हें मेरे साथ रहना है या अपने घर वालों के साथ। और अगर तुम्हें मैं चाहिए ना तो अभी अपने भाई को कॉल करो और बोलो कि पैसे साथ लेकर आए। सुन, जो पैसे मैंने तुझे दिए थे ना वो घर आके वापस दे जा, घर आ जा पैसे लेके, मिल गई शांति। आ रहा है लो, आ गए तुम्हारे पैसे, दे दे भाई। विशाल तू तो तुझे 2 महीने से पैसे चाहिए थे। हाँ। और रौनक तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम मेरे भाई को पैसे दे रहे हो? क्या हुआ जिया जी, कोई प्रॉब्लम है? तुम्हारी बहन को ये लग रहा था कि मैं पैसे तुम्हें नहीं अपने भाई को दे रहा हूँ, तो इनको बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी और अभी इन्होंने ही मुझे फोर्स करके तुमसे ये पैसे वापस मंगवाने को बोला। तो मुझे कैसे पता चलता कि किसको प्रॉब्लम हो रही है? और विशाल तूने भी मुझे कुछ नहीं बताया। दीदी मुझे लगा आप परेशान हो जाओगे इसलिए मैंने नहीं बताया। और तुझे इतने पैसों की जरूरत क्यों पड़ गई? दीदी वो कुछ महीने पहले मुझे एक बंदा मिला था जिसने मुझे बोला कि वो 1 महीने में मेरे पैसे डबल कर देगा, तो मेरे पास पैसे थे नहीं तो मैंने लालच में आकर लोगों से उधार लेकर उसे पैसे दे दिए और वो पैसे लेके भाग गए। क्या? हाँ दीदी, तो फिर मुझे लगा कि अगर मैं आपसे पैसे मांगूंगा तो आप गुस्सा करोगी और पापा को बता दोगी, तो मैंने जीजाजी से पैसे मांग लिए। ये मुझसे क्या हो गया? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इस तरह से सफाई देनी पड़ेगी कि मैं जो कर रहा था वो किसी रीजन से ही कर रहा था। रौनक प्लीज मुझे माफ कर दो, आई एम रियली सॉरी। देखो जैसे तुम्हें ये पता चला ना कि ये पैसे मैं अपने भाई को नहीं बल्कि तुम्हारे भाई को दे रहा था तो तुम्हारी टोन चेंज हो गई। एक बात बताओ, अगर ये पैसे मैं अपने भाई को भी दे रहा होता तो उसमें क्या प्रॉब्लम थी? नहीं वो, अरे देखो हम लोग किसके लिए कमा रहे हैं? अपनों के लिए। अगर अपनों का ही काम ना आए तो क्या फायदा हमारा इतनी मेहनत करने का? देखो मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी मैं, प्लीज। इट्स ओके, चलो अच्छा है कि तुम अपनी गलती का एहसास तो है। और एक बात बताओ, भाई चाहे तुम्हारा हो या मेरा, वो है तो भाई ना, वो हमारे ही परिवार का सदस्य है और हमारे किसी भी परिवार के सदस्य पे कोई भी मुसीबत आएगी तो ये हमारा फर्ज है कि हम उसकी मदद करें। तुम ठीक कह रहे। दीदी ये पैसे? नहीं नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये पैसे तुम रखो।